अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में चैप्टर 7 सर्किल के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द फोर पॉइंट्स 3.4 -1.-4 -1.2 3.-6 आर कॉनसाइक्लिक एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऑन विच दे लाई। आपने इस बात को प्रूव करना है कि चारों पॉइंट्स कॉनसाइक्लिक भी हैं और जिस सर्किल पर ये चारों पॉइंट्स लाए कर रहे हैं आपने उसकी इक्वेशन भी फाइंड करनी है। कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? हम लास्ट सेशन में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि वो तमाम पॉइंट्स जो एक ही सर्किल पर मौजूद हों वो तमाम पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कॉनसाइक्लिक। तो हमने ये प्रूव करना है कि चारों पॉइंट्स एक ही सर्किल पर मौजूद हैं और उसकी इक्वेशन भी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, लेट ए 3.4, बी -1.-4, सी -1.2 एंड डी 3.-6 आर लाए ऑन अ सर्किल। ये तमाम पॉइंट्स सर्किल पर लाए कर रहे हैं। वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल। हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल भी फाइंड करनी है और क्या करना है, हमें बात प्रूफ करनी है कि दीज पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक, ये चारों पॉइंट्स कॉनसाइक्लिक हैं। इसकी डायग्राम इस तरह से हो जाएगी कि एक सर्किल जिस पर ए, ये चार पॉइंट्स मौजूद हैं, पहले को हमने ए, दूसरे को बी, सी, डी कंसिडर किया। अब हमने इन चारों पॉइंट्स को कॉनसाइक्लिक भी प्रूफ करना है और इनसे हमें इक्वेशन भी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ तीन पॉइंट्स की जरूरत होती है, कम अज कम वापस तीन पॉइंट्स होने चाहिए। हम कोई भी तीन पॉइंट्स यूज करके हम सर्किल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? जनरल इक्वेशन हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी। जनरल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स, हमने दो सर्किल की इक्वेशन पढ़ चुके हैं, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल और एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल कब यूज होती थी? जब आपके पास सेंटर और रेडियस गिवन होता था। अब आपके पास सेंटर और रेडियस नहीं गिवन बल्कि आपको चार पॉइंट्स गिवन है। जब आपको मिनिमम थ्री पॉइंट्स गिवन हो या दो पॉइंट्स गिवन हो, उसके साथ कोई कंडीशन गिवन हो, तो आप इस इक्वेशन को यूज करके सर्किल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। सर्किल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे जी, एफ और ये सी चाहिए। मुझे किस किसी वैल्यू चाहिए होगी? जी, एफ और सी की। इट मीन्स मेरे पास तीन अननोन्स हैं। तीन अननोन्स का मतलब तीन ही इक्वेशंस रिक्वायर्ड भी होंगी। सो तीन इक्वेशन में किस तरह से बनाऊंगा? स्टूडेंट्स, हम सर्किल के जो कोऑर्डिनेट, जो हमें पॉइंट्स गिवन थे जो सर्किल पर मौजूद है, हम उसको सर्किल की जनरल इक्वेशन में रखेंगे। हमने लिखा सिंस ए 3.4 लाए ऑन अ सर्किल, क्योंकि ये सर्किल पर मौजूद है क्वेश्चन में कहा गया है। सो हम इस पॉइंट को सर्किल की इक्वेशन में रख सकते हैं। सर्किल की इक्वेशन मतलब इक्वेशन ए, जिसको हमने जनरल इक्वेशन और सर्किल को हमने क्या नाम दिया था? इक्वेशन ए। तो हम उसमें इस पॉइंट को पुट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये वही बात है जो मैंने आपको चैप्टर 2 में भी कहा था कि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है तो हम पॉइंट को उस लाइन की इक्वेशन में रख सकते हैं। सिमिलरली, अगर कोई सर्किल किसी पॉइंट से पास हो रहा है या कोई पॉइंट सर्किल पर मौजूद है तो हम उस पॉइंट को सर्किल की इक्वेशन में रख सकते हैं। सो इक्वेशन ए अब क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स जगह 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 2gx एक्स जगह 3 प्लस 2fy वाई की जगह 4 प्लस c इक्वल्स टू 0। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 2 टाइम्स 3 6g प्लस 2 टाइम्स 4 8f प्लस c इक्वल्स टू 0। 9 प्लस 6 25 प्लस 6g प्लस 8f प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये कब आई? जब आपने पॉइंट ए यूज किया। सिमिलरली फॉर पॉइंट बी -1.-4, क्योंकि बी भी कहाँ पे लाए कर रहा है? सर्किल पे लाए कर रहा है। सो हम इसको भी किसकी पॉइंट में इक्वेशन रख सकते हैं? सर्किल की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो इक्वेशन है अब क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर प्लस 2gx मीन्स -1 प्लस 2fy मीन्स -4 प्लस c इक्वल्स टू 0। -1 का स्क्वायर 1, -4 का स्क्वायर 16, -2g -8f प्लस c इक्वल्स टू 0। 2 टाइम्स 4 -8 हो जाएगा, 2 टाइम्स माइनस 1 -2। स्टूडेंट्स, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। 1 प्लस 16 17, -2g -8f प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन आपके पास आ चुके हैं। मुझे तीन इक्वेशन चाहिए क्योंकि तीन अननोन्स हैं। तीन अननोन्स कौन कौन से? जी, एफ एंड सी। तीन अननोन्स कौन कौन से? जी, एफ एंड सी। तो दो इक्वेशन तो आ गई। अब हमें थर्ड इक्वेशन कहाँ से लाएंगे? हम तीसरा पॉइंट इसमें पुट कर देंगे। फॉर सी -1.2 इक्वेशन ए -1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2gx मीन्स -1 प्लस 2fy मीन्स 2 प्लस c इक्वल्स टू 0। एक्स वाई की जगह एक्स वाई की वैल्यूज पुट कर दें।
इसमें जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस वन स्क्वायर वन प्लस टू टाइम्स टू का स्क्वायर फोर प्लस टू टाइम्स माइनस वन इज माइनस टू जी प्लस टू टाइम्स टू इज प्लस फोर एफ प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। स्टूडेंट्स आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर थ्री। स्टूडेंट्स अब हम इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जी एफ और सी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जी एफ और सी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सेपरेट करेंगे इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को हम सेपरेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस में जो सी है वो दोनों में सेम है। सी का कोएफिशिएंट क्या है, दोनों में सेम है, और दोनों के साइंस क्या है, सेम, साइंस भी सेम है। तो हम जब साइंस सेम हो तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, एस फॉर सेम एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सो आपके पास इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू। अब हम उनके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों के सेकेंड इक्वेशन के साइंस चेंज हो जाएंगे। सेकेंड इक्वेशन के साइंस चेंज हो गए, प्लस थे माइनस का, ये माइनस से प्लस, ये माइनस से ये प्लस हो गया, ये प्लस का था, यहाँ पे कोई साइन नहीं, इट मीन्स प्लस का होगा, तो ये क्या हो गया, माइनस का। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करा देंगे। सो 25 माइनस 17 इज 8, 6g प्लस 2g इज 8g, प्लस का 8f, प्लस का 8f प्लस 16f, प्लस का c माइनस का c कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में भी c जो है, c का कोएफिशिएंट सेम है और साइंस सेम है, साइंस भी सेम है, तो हम उन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करा देंगे ताकि c कैंसिल हो जाए। स्टूडेंट c जो भी आप एक वेरिएबल किसी दो इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कराएंगे, नेक्स्ट स्टेप में भी आपने उसी को सब्ट्रैक्ट कराना होगा। अभी हमने यहाँ पे c को सब्ट्रैक्ट कराया, तो अब हम अगेन किसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे, c को ही सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो इक्वेशन टू आ गया आपके पास 17 माइनस 2g माइनस 8f प्लस c इक्वल्स टू जीरो। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास है 5 माइनस 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। 17 माइनस 5 इज 12, माइनस 2g प्लस 2g कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8f माइनस 4f माइनस 12f प्लस c माइनस c कैंसिल इक्वल्स टू जीरो। स्टूडेंट्स हमने c को ही कैंसिल कराने के लिए सोचा था, लेकिन हमारे लिए अच्छा ये हो गया कि यहाँ पे g भी कैंसिल हो गया। g के कैंसिल होने से ये फायदा हो गया, वापस अब डायरेक्टली f की वैल्यू आ जाएगी। 17 माइनस 5 12 हो गया, माइनस का 2g प्लस का 2g कैंसिल जीरो हो जाएगा, माइनस का 8f माइनस का 4f माइनस 12f c माइनस c जीरो, c माइनस c भी कैंसिल इक्वल्स टू जीरो। सो माइनस 12f एज इट इज, 12 आ जाएंगे माइनस का 12, माइनस 12 से माइनस 12 जब कैंसिल होगा तो f की वैल्यू 1 आ गई। स्टूडेंट्स ये f की वैल्यू 1 आ गई। अब हम इस f की वैल्यू को प्रीवियस इक्वेशंस में किसी में भी रखकर g भी निकाल सकते हैं। सो हमने इसको इक्वेशन में रखा, इनपुट f इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 4। अभी लास्ट जो हमारी इक्वेशन 4 आई थी उसमें हम f इक्वल्स टू 1 रखकर, सो इक्वेशन 4 अब जो बन जाएगी वो होगी 8 प्लस 8g प्लस 16f इक्वल्स टू 0। f की जगह क्या रख दिया हमने, 1, f की वैल्यू 1 आई थी, हमने इसको इक्वेशन नंबर 4 में रख दिया। अब यहाँ से g की वैल्यू फाइंड करेंगे, 8g एज इट इज, 8 प्लस 16, 8 और प्लस 16 दूसरी तरफ जाकर माइनस के 16 और माइनस का 8, प्लस किसी में आ जाएगा माइनस का 16, प्लस 8 में आ जाकर भी माइनस का 8, माइनस 16 माइनस 8 इज माइनस 24, 8 यहाँ मल्टीप्लाई और आ जाकर डिवाइड हो जाएगा, सो g की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3, 8 से 24 कैंसिल होगा, g की वैल्यू माइनस 3। स्टूडेंट्स g की वैल्यू आपके पास आ गई, अब इस g की वैल्यू आ चुकी है, f की वैल्यू आ चुकी है, अब हमने c निकालना है, तो अब इस g f को इक्वेशन नंबर 1 में रखकर अब हम c फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 अब बन जाएगी 25 प्लस 6g, g की जगह माइनस 3 प्लस 8f, f की जगह 1 प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली, 25 प्लस माइनस माइनस 6 टाइम्स 3 18, 8 टाइम्स 1 इज 8, 25 माइनस 18 प्लस 8 इज 15 प्लस c इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस 15। सो स्टूडेंट्स हमारे पास g f c की वैल्यूज आ गई, अब हम इनको उठा के इक्वेशन a में रखेंगे, वहाँ पर सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। हमें इस क्वेश्चन में सर्किल की इक्वेशन भी फाइंड करनी है और पॉइंट्स को कॉन्साइक्लिक भी प्रूव करना है। हमने अब हम जो g f c की वैल्यूज हमने निकाली है, ये g f c की वैल्यूज हम इक्वेशन a में पुट करेंगे। Put g equals to minus 3, f equals to 1 and c equals to minus 15 in equation a. So equation a अब क्या बन जाएगी, x square plus y square plus 2g, g की जगह minus 3, x plus 2f, f की जगह 1, y plus c, c की जगह minus 15 equals to 0। इसको simplify कर लेंगे, तो x square plus y square
माइनस सिक्स एक्स, ये टू टाइम्स माइनस थ्री माइनस सिक्स एक्स, टू टाइम्स वन इज टू वाई, माइनस फिफ्टीन इक्वल्स टू जीरो, ये आपके पास आ गई सर्किल की इक्वेशन। स्टूडेंट्स हमने यहाँ दो काम करने थे, सर्किल की इक्वेशन भी फाइंड करनी थी और चारों पॉइंट्स को कॉन्सेक्यूटिवली प्रूफ करने थे। अब तीन पॉइंट्स से तो हम इक्वेशन बना चुके हैं, तो वो यकीनन तीनों पॉइंट्स इस सर्किल पर मौजूद होंगे जिसकी इक्वेशन ये। हमने ये प्रूफ करना है कि चौथा पॉइंट भी इसी सर्किल पर मौजूद है। वो कैसे प्रूफ करेंगे? अगर चौथा पॉइंट वाकई इस सर्किल पर मौजूद है, इस इक्वेशन से बनने वाले सर्किल पर मौजूद है, तो वो पॉइंट इस सर्किल की इक्वेशन को यकीनन वेरीफाई करेगा। अगर वेरीफाई करता है, इट मींस वो पॉइंट इस सर्किल पर मौजूद है, अदरवाइज वो सर्किल पर मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब हम लास्ट पॉइंट डी को इस सर्किल की इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे क्या ये वेरीफाई कर रहा है या नहीं। ये आ गया आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर कॉन्साइक्लिक, पुट डी इक्वल्स टू थ्री कॉमा माइनस सिक्स इन इक्वेशन बी। इस इक्वेशन में अब हम डी जो फोर्थ पॉइंट था अब हम वो पुट कर रहे हैं, थ्री कॉमा माइनस सिक्स। तो इक्वेशन भी अब बन जाएगी आपके पास थ्री का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स थ्री का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स माइनस सिक्स का स्क्वायर, माइनस सिक्स एक्स की जगह थ्री प्लस टू वाई, वाई की जगह माइनस सिक्स, माइनस फिफ्टीन इक्वल्स टू जीरो, थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स, माइनस सिक्स टाइम्स थ्री इज माइनस एटीन, प्लस माइनस माइनस टू टाइम्स सिक्स इज ट्वेल्व, माइनस फिफ्टीन इक्वल्स टू जीरो, नाइन प्लस थर्टी सिक्स इज फोर्टी फाइव, माइनस एटीन माइनस ट्वेल्व माइनस फिफ्टीन इज माइनस फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू जीरो। सो इट मीन्स क्योंकि इस चौथे पॉइंट ने सर्किल की इक्वेशन को वेरीफाई कर दिया, इट मीन्स ये पॉइंट भी उस सर्किल पर मौजूद है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैज प्रूफ पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। अब ये बात प्रूव हो गई कि चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द मेजर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर द पॉइंट्स। ये तीनों के तीनों वर्टिसेस आपको गिवन है। ये तीनों वर्टिसेस किसके हैं? ट्राइंगल के। कौन से ट्राइंगल के? जिसको सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब वो सर्किल जो है वो उस ट्राइंगल के वर्टेक्स से पास हो रहा है। सॉल्यूशन, लेट ए वन कॉमा माइनस टू, बी माइनस फाइव कॉमा टू एंड सी थ्री कॉमा फोर आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के वर्टिसेस को हमने क्या नाम दे दिया? ए बी एंड सी का। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। हमें सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है। हमें एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। सर्कमस्क्राइब किसको किया हुआ है? ट्राइंगल को। कौन से ट्राइंगल को? जिसके वर्टिसेस ये है। सर्कमस्क्राइब ट्राइंगल का मतलब सर्कम सर्किल का मतलब ये होता है कि ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास हो रहा हो, जो ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास हो रहा हो। इट मीन्स ये आपके पास ट्राइंगल आ गया। इस ट्राइंगल के आपको वर्टिसेस गिवन है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ये तीनों वर्टिसेस ट्राइंगल के गिवन है। लेकिन क्योंकि सर्किल इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इट मींस सर्किल इन वर्टिसेस से पास हो रहा होगा, तो ये पॉइंट जो है सर्किल पर भी मौजूद हैं। सो स्टूडेंट्स जिस तरह भी हमने लास्ट क्वेश्चन में काम किया था कि हमने तीनों पॉइंट्स को सर्किल की जनरल इक्वेशन में रखकर तीन इक्वेशन निकाली थी, फिर हमने उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जी एफ सी की वैल्यूज फाइंड की थी, तो सेम काम हमने यही करना है एग्जैक्टली। यहाँ पे सेम काम होगा। जनरल इक्वेशन आपके पास होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इक्वेशन ए। इस इक्वेशन ए में हम तीनों पॉइंट्स को बारी बारी पुट करेंगे, देन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके जी एफ सी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो ए वन कॉमा माइनस टू लाया होगा सर्किल, क्योंकि ए वन कॉमा माइनस टू सर्किल पर लाया कर रहे हैं, तो इट मीन्स हम इस पॉइंट को सर्किल की इक्वेशन में रख सकते हैं। इक्वेशन ए अब क्या बन जाएगी? इक्वेशन ए बन जाएगी वन का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, एक्स की जगह वन प्लस टू एफ, वाई की जगह माइनस टू प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वन का स्क्वायर वन माइनस टू का स्क्वायर फोर, टू जी वन मल्टीप्लाई टू जी माइनस फोर एफ प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। एक इक्वेशन तो आपके पास आ गई फाइव प्लस टू जी माइनस फोर एफ प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। फॉर बी माइनस फाइव कॉमा टू, इक्वेशन ए अब क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स टू का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स मीन्स माइनस फाइव प्लस टू एफ वाई मीन्स टू प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, माइनस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, टू का स्क्वायर फोर माइनस टेन जी प्लस फोर एफ प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। सो आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, वो है ट्वेंटी नाइन माइनस टू टेन जी, ट्वेंटी फाइव प्लस फोर ट्वेंटी नाइन माइनस टेन जी प्लस फोर एफ प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। हमें थर्ड इक्वेशन चाहिए, उसके लिए हम थर्ड पॉइंट सी यूज करेंगे। फोर सी थ्री कॉमा फोर,
इक्वेशन ए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 टाइम्स 3 6g प्लस 2 टाइम्स 4 प्लस 8f प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आपके जो थर्ड इक्वेशन है वो है 25 प्लस 6g प्लस 8f प्लस c इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट सिमिलरली जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में भी तीन है तीन इक्वेशन आई थी, हमारे पास यहाँ पर भी तीन इक्वेशन आ गई। अब हम इन तीन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जी एफ सी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स आपने इसको सॉल्व करते हुए ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने जो इक्वेशन वन और टू में से जिस वेरिएबल को एलिमिनेट कराएंगे, जिस किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कराएं आपकी मर्जी है, आप इक्वेशन वन और टू में से जिसको एलिमिनेट कराएंगे उसी में से सेकेंड उसी वेरिएबल को सेकेंड टाइम भी एलिमिनेट कराएंगे। सो हम यहाँ पे इक्वेशन को एलिमिनेट करा रहे हैं, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करा रहे हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन एंड इक्वेशन अगेन हम सी को एलिमिनेट करा रहे हैं, दोनों में सी सेम है, इक्वेशन वन ये आ गई इक्वेशन टू ये आ गई। तो आप देखें सी के जो कोफिशियंट है दोनों में सेम है, तो इसके जो वन वन कोफिशियंट है और इनके साइन भी सेम है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करा देंगे, सब्ट्रैक्ट कराने में इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे और अब ये इक्वेशन हो जाएगी कुछ इस तरह से 5 माइनस 29 माइनस 24 प्लस 2g प्लस 10g प्लस 12g माइनस 4f माइनस 4f माइनस 8f c से c कैंसिल इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन 1 और 2 में से क्या एलिमिनेट कराया, c को एलिमिनेट कराया, अब हम अगेन c को ही एलिमिनेट कराएंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 आपके पास 29 माइनस 10g प्लस 4f प्लस c इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3 25 प्लस 6g प्लस 8f प्लस c इक्वल्स टू 0। सबकी सेकंड इक्वेशन का साइन चेंज, तो ये माइनस होने का बचेगा 29 माइनस 25 इज 4 माइनस 10g माइनस 6g माइनस माइनस 16g प्लस 4f माइनस 8f माइनस 4f c से c कैंसिल इक्वल टू 0। ये आपके पास आएगी इक्वेशन नंबर 5। स्टूडेंट्स अब इन दोनों इक्वेशंस में आप देखें g और f मौजूद है, हमने इसमें से भी c को एलिमिनेट कराया था ताकि हमारे पास कौन सी इक्वेशन बचे g और f की फॉर्म में, यहां से भी हमने c को ही एलिमिनेट कराया ताकि हमारे पास कौन सी इक्वेशन बचे g और f की फॉर्म में। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके g और f निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इनको g और f फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 4 एंड इक्वेशन 5 बाय 3। हम इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं 4 से और इक्वेशन 5 को किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं 3 से। ऐसा करने से हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4 जब हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 96 प्लस 48g माइनस 32f, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर 5 को किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं 3 से, इक्वेशन नंबर 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया। ऐसा करने की वजह अब देखें अब इक्वेशन 5 क्या बन गई, 3 टाइम्स 4 इज 12 माइनस 3 टाइम्स 16 इज 48g माइनस 3 टाइम्स 4 इज 12m इक्वल्स टू 0। जी के कोफिशियंट सेम हो गए, जी के कोफिशियंट सेम हो गए, हमने इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो ये 4 टाइम्स 12 48 हो गया, इक्वेशन नंबर 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया तो इक्वेशन नंबर 5 जब हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 3 टाइम्स 16 48 हो गया, दोनों के कोफिशियंट सेम हो गए। अब हम इनको सिंपल इनके क्योंकि साइंस डिफरेंट है तो इनको सिंपल हम ऐड करेंगे तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, अगर इन दोनों के साइंस सेम होते तो हम इनको क्या कराते सब्ट्रैक्ट, जिस तरह हमने यहाँ कराया था यहाँ पे सी के साइंस सेम थे तो हमने सब्ट्रैक्ट कराया था, इक्वेशन के साइंस चेंज किए थे, लेकिन यहाँ पर जिस कोफिशियंट को हमने सेम किया है उसके साइंस जो है वो पहले ही डिफरेंट है तो हम सिंपल इसको ऐड कर देंगे। माइनस 96 प्लस 12 इज माइनस 84 48g माइनस 48g कैंसिल माइनस 32f माइनस 12f इज माइनस 44f इक्वल्स टू 0 माइनस 44f एज इट इज माइनस 84 वहां जाके प्लस 84 और अब जो आपके पास माइनस 44 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो f की वैल्यू आ जाएगी कैंसिलेशन के बाद 4 के टेबल से कैंसिलेशन आप करेंगे सो 4 टाइम्स 2 8 4 टाइम्स 1 इज 4 4 टाइम्स 11 इज 44 माइनस न्यूमिनेटर में आ जाएगा सो f की वैल्यू आ गई माइनस 21 अपॉन 11। स्टूडेंट्स अब इस f की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में रखकर g भी निकाल लें सो इक्वेशन नंबर 4 अब बन जाएगी माइनस 24 प्लस 12g माइनस 8 माइनस f माइनस 8 f f की जगह वैल्यू आ जाएगी माइनस 21 अपॉन 11 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स 12g एज इट इज माइनस 20g वहां जाके प्लस का 20g माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8 टाइम्स 21 168, सो जो प्लस का 168 है इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का 168 अपॉन 11। स्टूडेंट्स इस चीज को एक दफा और देखें माइनस 8 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 21 अपॉन 11 से सो माइनस माइनस प्लस 8 टाइम्स 21 इज 168 अपॉन 11।
तो प्लस का 168 अपॉन 11 जो इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे, वो राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का 168 अपॉन 11। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, 11 टाइम्स 24 इज 264 माइनस 168, देन डिनोमिनेटर्स आपस में 11, 264 माइनस 168 इज 96 अपॉन 11, 12 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो जाएगा, जो कैंसिलेशन होगी 12 टाइम्स 1 इज 12, 12 टाइम्स 8 इज 96, सो इस 8 अपॉन 11 आपके पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स जी की वैल्यू भी आ गई आपके पास, एफ की वैल्यू भी आ गई, अब आपने सी की वैल्यू फाइंड कर ली, तो इन जी और एफ को हम इक्वेशन में पुट करके सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस जी की वैल्यू 8 अपॉन 11, एफ की वैल्यू माइनस 21 अपॉन 11 को हम इक्वेशन में 1 में पुट करेंगे, सो आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी 5 प्लस 2 जी, जी की जगह 8 अपॉन 11 माइनस 4 एफ, एफ की जगह माइनस 21 अपॉन 11 प्लस सी इक्वल्स टू 0, सो सी की वैल्यू, अब जी तमाम टर्म्स को मैं सॉल्व करके इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे सी एज इट इज 5 वहां जाके माइनस का 5, 2 टाइम्स 8 16 अपॉन 11 हो जाएगा, माइनस 16 अपॉन 11 प्लस का 16 अपॉन 11 इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे आ गया माइनस का 16 अपॉन 11, ये फ्रैक्शन जब सॉल्व होगा तो माइनस माइनस प्लस, 4 टाइम्स 21 इज 84 अपॉन 11 प्लस का 84 अपॉन 11 इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का 84 अपॉन 11। अब इसमें एलसीएम आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 11 और 11 का एलसीएम क्या आ जाएगा 11। अब 1 यहां जो 1 आ रहा होगा 5 के डिनोमिनेटर में, उसमें 1 के टेबल में 11 कब आता है 11 टाइम्स, सो वो 11 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो हो जाएगा 11 टाइम्स 5 इज 55 माइनस 16 माइनस 84 एज इट इज, सी की वैल्यू कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी माइनस 155 अपॉन 11। स्टूडेंट्स इन तमाम जी की वैल्यूज को, जी एफ और सी की वैल्यूज को हम कहां पुट कर देंगे इक्वेशन ए में, तो आपका सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी, तो इक्वेशन ए आपके पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, जी की वैल्यू एड अपॉन 11 एक्स प्लस 2f, एफ की वैल्यू माइनस 21 अपॉन 11 वाई प्लस सी, सी की वैल्यू माइनस 155 अपॉन 11 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो अब ये इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं है 1, इसके डिनोमिनेटर भी कुछ नहीं है, इट मीन्स 1, तमाम के डिनोमिनेटर में 3 के डिनोमिनेटर में 11 और इनके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1, सो 1 और 11 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 11 आ जाएगा, इस 1 के डिनोमिनेटर 1 के टेबल में 11 कब आता है 1 टाइम 11 टाइम्स, सो वो 11 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 11x स्क्वायर, इस y स्क्वायर के नीचे भी 1 होगा, सो उस 1 में 11 कब आता है 11 टाइम्स, तो वो 11 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11y स्क्वायर, 11 के टेबल में 11 कब आता है 1 टाइम्स, 1 मल्टीप्लाई होगा न्यूमिनेटर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना यहां पे, कोई फर्क पड़ेगा ना यहां, ये आपके पास सीरीज हो जाएगी 2 टाइम्स 8 16x 2 प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स 21 इज 42y प्लस माइनस माइनस 155 इक्वल टू 0, 11 यहाँ डिवाइड हो रहा है इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे आके जब मल्टीप्लाई होगा 0 से तो वो क्या हो जाएगा 0। अब आपको एक क्वेश्चन बच जाएगी 11x स्क्वायर प्लस 11y स्क्वायर प्लस 16x माइनस 42y माइनस 155 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इस फर्स्ट टर्म में से 11 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन ले लिया आपने, ये आपके पास आ गई सर्किल की इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड कट्स ऑफ इक्वल कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स इक्वल टू 3 एंड 4 फ्रॉम द एक्सिस। आपने एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो ओरिजिन से पास भी हो रहा है और उसके इंटरसेप्ट्स क्या बन रहे हैं 3 एंड 4। स्टूडेंट्स इंटरसेप्ट्स बन रहे हैं 3 एंड 4, इंटरसेप्ट्स मींस वो एक्स और वाई एक्सिस को 3 और 4 पे कट कर रहा होगा, एक्स को 3 पर और वाई को 4 पर। उसकी डायग्राम देख लेते हैं, ये आ गया एक्स एंड वाई एक्सिस, ये आपके पास आ गया सर्किल जो कहां से पास हो रहा है ओरिजिन से, ये एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट, ये आ गया आपके पास ओरिजिन, एक्स इंटरसेप्ट पे पॉइंट क्या बनेगा 3,0 क्योंकि अब यहां पर वाई की वैल्यू 0 होगी, और वाई इंटरसेप्ट में पॉइंट बनेगा 0,4 क्योंकि यहां पर एक्स की वैल्यू 0। तो स्टूडेंट्स अगेन आपके पास 3 पॉइंट्स मौजूद हैं सर्किल पर, सर्किल पर 3 पॉइंट्स मौजूद हैं, तो आपने इन तीनों पॉइंट्स को यूज करके जी एफ सी की वैल्यूज फाइंड कर ली और देन उसका जीएफसी की वैल्यूज को आपने फिर इक्वेशन ए में रखकर उसका एक सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है। सॉल्यूशन लेट ए 00 बी 30 एंड सी 0,4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, वी हैव टू प्रूव वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल, हमने इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करनी है। सो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इस जनरल इक्वेशन में उन तीनों पॉइंट्स को बारी बारी पुट करके इक्वेशंस पर आएंगे, नेट जीएफसी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। सिंस a 00 लाया हुआ सर्किल, क्योंकि सर्किल कहां से पास हो रहा है ओरिजिन से पास हो रहा है,
तो हम इस सर्किल के इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को सर्किल की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो इक्वेशन ए में हम पुट करेंगे एक्स का स्क्वायर मीन जीरो का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी प्लस टू जीरो। एक्स और वाई की जगह क्या आ गया जीरो, ये टर्म भी जीरो, ये तमाम टर्म जीरो हो जाएंगी, ये भी जीरो हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्टली जीरो। बी थ्री कॉमा जीरो, अब हम थ्री कॉमा जीरो इसमें पुट करेंगे। सो एक्स की जगह थ्री वाई की जगह जीरो, एक्स की जगह थ्री वाई की जगह जीरो। से आगे आपके पास एक्स स्क्वायर मीन्स थ्री का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मीन्स जीरो जीरो का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स मीन्स थ्री प्लस टू एफ वाई मीन्स जीरो प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। थ्री का स्क्वायर नाइन, जीरो टू टाइम्स थ्री सिक्स जी प्लस टू टाइम्स जीरो एफ जीरो प्लस सी, सी की जगह क्या आ जाएगा आपकी वैल्यू जीरो, सी की वैल्यू भी जीरो, सी की वैल्यू पहले फाइंड कर चुके थे तो सी की जगह भी जीरो रख दिया इक्वल्स टू जीरो। नाइन प्लस का नाइन आ जाएगा माइनस का नाइन हो जाएगा, ये जीरो निगलेक्ट हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ सिक्स जी बचेगा। अब ये सिक्स यहाँ मल्टीप्लाई और हमारा कि डिवाइड होगा जब तो वो कैंसिलेशन हो जाएगी, थ्री टाइम्स थ्री नाइन, थ्री टाइम्स टू सिक्स, थ्री हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन टू। सर जी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब हम सेकेंड जो लास्ट पॉइंट है हमारा जीरो कॉमा फोर वो पुट करेंगे। सो फोर सी जीरो कॉमा फोर इक्वेशन ए बन जाएगी, जीरो का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स जीरो प्लस टू एफ वाई फोर प्लस सी प्लस टू जीरो। सो आपकी इक्वेशन बन गई जीरो प्लस सिक्सटीन प्लस जीरो प्लस एट एफ प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, सी की जगह हमने क्या पुट कर दिया जीरो। तो 16 प्लस का माना के माइनस का 16, एट एफ एज इट इज, एट यहाँ मल्टीप्लाई और माना के डिवाइड हो जाएगा। सो एफ की वैल्यू आ जाएगी 8 टाइम्स 1, 8 टाइम्स 2, 16, एफ की वैल्यू आ गई माइनस 2। सो अब जो जी एफ सी की वैल्यूज हमारे पास आई हैं, अब हम इनको इक्वेशन में पुट करके, इक्वेशन ए में पुट करके इनकी सर्किल की इक्वेशन फाइंड कर लें। सो पुट जी माइनस ई अपॉन टू, एफ इक्वल्स टू माइनस 2 एंड सी इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए अब बन जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी, जी की जगह माइनस थ्री अपॉन टू एक्स प्लस टू एफ, एफ की जगह माइनस टू वाई प्लस सी, सी की वैल्यू क्या आएगी वहाँ पर जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये टर्म जीरो, यहाँ इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा। सो आपके बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, टू से टू कैंसिल हो गया, माइनस का थ्री एक्स प्लस माइनस माइनस, टू टाइम्स टू इज फोर वाई, ये जीरो निगलेक्ट इक्वल्स टू जीरो। तो सेंस ये आपके पास सर्किल की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल। स्टूडेंट्स अब हम ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपने खुद से अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हैविंग द सेंटर एट द ओरिजिन एंड कंटेनिंग द पॉइंट थ्री कॉमा माइनस फोर। आपने एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो जिसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर, मीन्स आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए जीरो कॉमा जीरो और एंड कंटेनिंग द पॉइंट थ्री कॉमा माइनस फोर, और उस सर्किल पर कौन सा पॉइंट मौजूद है थ्री कॉमा माइनस फोर। इस सर्किल आ गया आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए जीरो कॉमा जीरो जो कि सेंटर है, और एक पॉइंट आपको गिवन है क्या थ्री कॉमा माइनस फोर, ए थ्री कॉमा माइनस फोर। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस और सेंटर से लेके ओरिजिन से लेके सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस वॉल्यूम कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा रेडियस आ जाएगा। तो आप पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इनका रेडियस फाइंड करेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे मतलब वो रेडियस आ जाएगा, उस रेडियस और इस सेंटर को यूज करके इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल से इस सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर, आपको सेंटर गिवन था ओरिजिन पे, आपको एक पॉइंट गिवन था जो सर्किल पर मौजूद था, आप इस सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालेंगे जो कि क्या कहलाएगा रेडियस, और फिर इस रेडियस और सेंटर को यूज करके सर्किल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। और जो एक क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द सर्किल थ्रू द पॉइंट्स -7.5 पार्ट 2 में -7.5 7.-3 11.5, इन तीनों पॉइंट्स को यूज करके आपने तीन इक्वेशंस बनानी है जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तीनों पॉइंट्स को यूज करके बारी बारी तीन इक्वेशंस निकालेंगे जी एफ सी की, देन हम तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जी एफ सी की वैल्यूज फाइंड करेंगे, उसको हम दोबारा इक्वेशन ए में रखेंगे और वो फिर हमारा इक्वेशन सर्किल की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपने खुद से करने हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।